तिम्रो नाम को हो कि कसको हो? हे मेरे नाम को आईडी देखेनी हूं। तो यहाँ पे अपने एक सब्सक्राइबर मित्र मिल गए थे, तो मुझे स्क्वाट करते हुए लेके जा रहे हैं। थोड़ा बहुत टॉप स्पीड कर लेते हैं यहाँ पे आज, 145 तक जाएगा शायद। चल जा जा भाई 145। अभी मैं आ रहा था ना तो फुटेज लिया था, डाल सकते हैं इंटरनेट में। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आपका भाई भी एकदम मस्त। सो आज मैं जा रहा हूँ डुअर्स। आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग में बता दिया था कि मैं जाने वाला हूँ डुअर्स ओलिव को लेने। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि ओलिव का मम्मा, मेरी मदर इन लॉ, थोड़ा बीमार हो गई थी। सो उसकी वजह से माँ को केयर करने के लिए घर में कोई नहीं था, तो दैट्स वाई वहाँ पे जाना पड़ा ओलिव को माँ का ख्याल रखने के लिए। एक महीने पहले ही हमने प्लान कर दिया था कि हम लोग जाएंगे कन्याम बोल के। सो दैट्स वाई मैं तो आ गया कन्याम जाने के लिए, आज फिर से जा रहा हूँ। सो अभी मम्मा का तबीयत थोड़ा ठीक हो चुका है, तो अब 2-3 दिन शायद मैं वहीं पे रहूँगा, और जब मम्मा एकदम अच्छे तरीके से ठीक हो जाएंगे उस टाइम पे घर लौटेंगे, ठीक है? सो आप लोगों को तो अपडेट मैं देता ही रहूँगा वहाँ पे भी। आप लोग भी थोड़ा दुआ करिए कि मम्मा ठीक हो जाए जल्द से जल्द। और ये वाला रोड जो है यहाँ पे हम लोग फोटोग्राफी नहीं कर सकते, सो मिलते हैं थोड़ी देर में, ओके? सो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ सुकना। कन्याम से रिलेटेड एक दो बातें कहना था आप लोगों को, फ्यूल का कॉस्टिंग कितना आया और वहाँ का वानसर का कॉस्टिंग कितना आया। और अगर आप लोग सिलीगुड़ी से हो देन अगर आप लोग बाइक से जाना चाहते हो तो मैक्सिमम आप पकड़ लो 1000 रुपीज़ का पेट्रोल इज इनफ जाने और आने के लिए। और भानसर आपका वन डे का जो कन्याम जाने का है वो है ओनली 100 रुपीज़, वो भी इंडियन करेंसी 100 रुपीज़, ठीक है? अभी टाइम हो रहा है लगभग शाम के 3, और वीडियो भी मैंने अपलोडिंग में डाल दिया। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को कि मैंने वीडियो अपलोडिंग में रख दिया था, सो देख सकते हो अभी 56% अपलोड हो चुका है, और देखते हैं कितना टाइम लगेगा, शायद डुअर्स पहुँचते पहुँचते तक तो हो ही जाएगा। तीनों नाम को होगी कुछ तो है, मेरे नाम को आईडी देखे नहीं हूँ। फाइनली गाइस फ्यूल अप हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे कुछ अलग ही झमेला है गाइस, गूगल पे गया बोलता है वाउचर बना के लाओ, और वहाँ पे गया फिर बोलता है दिखाओ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखा रहा हो, आईडी दिखाओ बोलता है। अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है। फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ सालबाड़ी। आपका भाई का चैनल मोनिटाइज होने वाला है, तो वीडियो को एकदम बिना स्किप करे देखना गाइस, जल्द से जल्द एकदम आपका भाई का चैनल मोनिटाइज करवा दो यार। मुझे लग रहा है ये महीने के अंदर अंदर तो मोनिटाइज हो ही जाएगा। अभी मैं पहुंच चुका हूँ दार्जिलिंग मोड़, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हो अपने तेंजिंग नोर्गे, जो कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले फर्स्ट इंसान लेजेंड बोल सकते हो आप लोग। और मैं आप लोग एक चीज़ बताना तो भूल ही गया कि अगर आप लोग सिलीगुड़ी से जा रहे हो ना बाइक में जा रहे हो, तो 2000 का बजट होने से इट्स इनफ टू गो टू कन्याम अगर बाइक में जा रहे हो और सोलो जा रहे हो, ठीक है? काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं पहुंच चुका हूँ चेक पोस्ट, और यहाँ पे भी जाम का सीन देख सकते हो गाइस। ओहो भैया कहाँ कहाँ से लेके आ रहे हो, क्या ही कहे अब ऐसे बंदों को। तो पीछे में चंपासरी मोड़ और दार्जिलिंग के बीच में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, क्या ही कहे। मुझे तो लगा था आधा एक घंटा तो मेरा वहीं पर वेस्ट हो जाएगा। बस वाले भैया हमें आगे जाने दो, हम आपका वेट करेंगे सिबोक में। बाप रे बाप, देख सकते हो गाइस आगे तक खाली गाड़ी ही गाड़ी, और हम कहाँ से जाए भैया। ओहो हमें भी तो जाने दो, यहाँ पे क्या है राइट में। ओह ओए भाई 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 टुकते टुकते बच गया गाइस। ओहो सकते हो भाई ये स्कूटी वाली भैया प्रो है, प्रो कैसे कैसे घुसा रहा है ना, देख सकते हो। अब देखना देखो जगह नहीं है फिर भी जबरदस्ती कर रहा है, और हम भी इसके पीछे पीछे जाएंगे। ओहो देख सकते हो गाइस, ओए गया। ओए शिट। अब देखो यहाँ पे जबरदस्ती। ओहो फाइनली निकल गए हम लोग यार, फिर से जाम। ऐसा जाम का सीन क्या दिखाना आप लोगों को, सीधा मिलते हैं सिबोक के हाईवे पे। क्या हो गया करे मार्केट को मुझे डुअर्स को गो। तो यहाँ पे अपने एक सब्सक्राइबर मित्र मिल गए थे, अपना भाई। सो भाई का भी यूट्यूब चैनल है नेपाली बॉय व्लॉगर बोल के, सो भाई को भी थोड़ा सपोर्ट कर दियो यार। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई का।
और ट्रैफिक का सीन देख सकते हो गाइस, बाप रे बाप कितना लंबा जाम है और हम तो भाई घुसाएंगे। ये देखो गाइस, अब अपने लेन में बिना बैठे ये लोगों को आगे जाने का एकदम हड़बड़ी रहता है। सो ऐसे स्टूपिड ड्राइवर की वजह से यहाँ पे जाम लगता है। ओहो, ये अंकल वांट्स टू रेस और व्हाट? अंकल तो एकदम जोश में आ गया भाई। तो अभी अभी मैंने देखा था अपलोडिंग, सो 73% अब तो अपलोड हो चुका है और शायद दूर पहुंचते पहुंचते अपलोड हो ही जाएगा भाई। होप फॉर द बेस्ट आज वीडियो आए और अपना भाई लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे, सपोर्ट दे। गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ बंगाल सफारी और बंगाल सफारी मेरा वेट कर रहा है कब से भाई, तेरा एक कंटेंट यहाँ पे कब आएगा बोल के जरूर आऊंगा भाई, जल्द से जल्द आऊंगा और मेरे व्यूअर्स को एकदम मस्त घुमाऊंगा। और अभी भी मैंने लाइक कॉल किया था ओलिव को और बोल रही थी कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था, सो रास्ते में बारिश ना मिले भाई, आई होप फॉर द बेस्ट। फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ सिबुक और जाम का सीन देख सकते हो, यहाँ पे भी वही सेम सीन है और आगे में लाइक VIP जा रहा है, सो उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ मैं क्योंकि रास्ता क्लियर कर रहे हैं ना, सो मुझे स्क्वाट करते हुए लेके जा रहे हैं। शायद कोई अपना VIP होगा, सो इन लोगों को तो हमेशा हड़बड़ी लगा रहता है इन लोगों को, मुझे पता नहीं यार कहाँ पहुँचना पड़ता है इन लोगों को। सो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि VIP हो चाहे जो भी हो, आराम से चलो यार, पब्लिक को हैरेसमेंट मत करो क्योंकि ऐसा जाम का सीन लगा देते हैं ना जब हमारे CMG आते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब हमारे CM आते हैं ना उस टाइम पे तो ना ऐसा रोड ब्लॉक करके रख देता है लाइक पूरा दिन ही लाइक ऐसे जाम में फंसे रहते हैं बेचारे ड्राइवर्स लोग। सो पब्लिक को इधर उधर कहीं पे जाना होता है, सो उन लोगों को कितना ज़्यादा हरासमेंट होता होगा आप लोग सोच सकते हो गाइज। सो मुझे तो काफ़ी बुरा लगता है ये चीज़ देख के। ओए भाई लग गया भाई गाड़ी। फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं बागपुल और थैंक यू स्क्वाट करने के लिए। ओहो मॉन्की देख सकते हो गाइज, और यहाँ पे क्या चल रहा है भाई। सो यहाँ पे रुक के आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं व्यू दिखा देता हूँ। आज देख सकते हो गाइज, ओ भाई क्या व्यू है यार। सो यहाँ पे देख सकते हो राइट में व्यू, और चलते हैं यहाँ से और देख सकते हो यहाँ पे ना कभी भी खाली नहीं रहता है, हमेशा टूरिस्ट भरा हुआ रहता है फोटो वोटो लेने के लिए। एक साइड से बोलूँ तो फिर आप लोग इस जगह को टूरिस्ट प्लेस भी कह सकते हो। ओहो मंकी देख सकते हो गाइस, ओए 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 अटैक करने वाला है भाई। तो आप लोगों को मुझे एक चीज़ बताना था, मुझे अपना बाइक का नामकरण करना था गाइस। सो आप लोग सजेस्ट करो अपना बाइक का नाम क्या रखूं, एक अच्छा नाम आप लोग मुझे सजेस्ट करो कमेंट सेशन में जाके, और उसमें से मैं एक पिक करके अपना बाइक का नामकरण कर दूंगा गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस एकदम पत्थर में एकदम आर्ट किया हुआ है गणेश जी का। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ मंगपंग का चेक पोस्ट और यहाँ पे क्या सीन चल रहा है भाई, एकदम पुलिस वाले अंकल मुस्कुरा रहे हैं और देख सकते हो राइट में यार इतना ज़्यादा गाड़ी सड़ने के लिए छोड़ दिया है भाई। इससे अच्छा तो कुछ काम में लगा लेते अपना गवर्नमेंट का ही थोड़ा बहुत भला हो जाता है। ये वाला रूट मुझे एकदम बेस्ट लगता है डूअर्स का, अब देखना इतना ज़्यादा स्ट्रेच देखने को मिलेगा ना आप लोगों को क्या ही कहे। और रूट्स खाली है तो फिर थोड़ा बहुत टॉप स्पीड कर लेते हैं यहाँ पे आज 100, 6, 10, 12, 27, 29, 30, 33, 34, 140 टच कर दा भाई, 38, जल्दी 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 39 और डाउन भी चलना पड़ेगा 140 टच कर दिया भाई। और अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रेच बाकी है, तो अभी सिक्स गियर में चल रहा है, तो 143 142 43 44 145 तक जाएगा शायद। चल जा जा भाई 145। ओ माय गॉड 143 गया, 143 नहीं 244 गया गाइस। चलो यहाँ पे तो थोड़ा स्ट्रेच एकदम स्ट्रेच रोड था इसलिए मैं थोड़ा बहुत स्पीड रन कर लिया, नहीं तो आप लोग मत ही करना ऐसा, काफ़ी एक्सपीरियंस का ज़रूरत है आप लोगों को।
और टॉप स्पीड करते वक्त आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका थाइस से ना टैंक को एकदम ग्रिप करके रखना चाहिए, हैंडल एकदम टाइट सो टैंक स्लैपर ना हो बोल के। सो यही है। तो आज एक भाई मुझे कमेंट में बता रहा था टॉप स्पीड करो टॉप स्पीड करो, तो आज थोड़ा बहुत टॉप स्पीड भी हो गया आज BA6 का। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं एलेनबाड़ी का पुलिस चेक पोस्ट। वेलकम टू डू वर्स टूरिज्म डिपार्टमेंट। सर से एक बार पूछ लेते हैं ना। एक्सक्यूज मी सर, अभी मैं आ रहा था ना तो फुटेज लिया था, डाल सकते हैं इंटरनेट में? नहीं डाल सकते ना, ठीक है थैंक यू, वही कंफर्म करना था ना। ओके सो यहाँ पे मैंने पूछ लिया भाई अपने जवान सर से, तो बोला भाई नहीं डाल सकते। सो सही है, नहीं डालेंगे भाई, अपने देश का जवान का सुरक्षा अभी तो हमें ख्याल रखना चाहिए ना गाइस। तो अभी मैं पहुंचने वाला हूँ चंदा कंपनी। तो चंदा कंपनी से बागराकोट ज़्यादा दूर नहीं है, अब हम लोग शायद 2 मिनट में पहुंच जाएंगे बागराकोट भाई। और यहाँ पे भी देख सकते हो कितना अच्छा स्ट्रेच रोड है भाई डूअर्स में। हमारे वहाँ पे भी काश ऐसा वाला रोड रहता ना, तो डेली डेली टॉप स्पीड करते हम लोग डेली। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ बागराकोट, और इस जगह को बोलते हैं मीना मोड़। और काफ़ी सारे वीडियोस में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और आप लोगों ने देख ही लिया कि अंकल से मैं पूछ रहा था कि मैं फुटेज डाल सकता हूँ नहीं डाल सकता हूँ अपने जवान को, तो उन्होंने बोला कि भाई नहीं डाल सकते हो। सो एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा था, एक चीज़ का प्रैक्टिस हो रहा था, सो इसी वजह से मैंने पूछ लिया। यहाँ से हमें लेना स्ट्रेट, और देख सकते हो रेल गेट बंद। ओहो अब हम लोग घुस चुके हैं बागराकोट। आप लोगों को भी बागराकोट में स्वागत है। ओहो ये कैसा ट्रेन है भाई। देख सकते हो भैया एकदम चिल में, बाप रे बाप पोज देखे। ओहो यहाँ पे अंकल भी अच्छा पोज दे रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा लग रहे अंकल। शायद कुछ लोडर कैरियर होगा। ओहो यहाँ पे तो रेलवे डिपार्टमेंट में घुस गए क्या अपना सिविक वॉलंटियर्स। थैंक यू भैया।